हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? जाहिर सी बात है आप सब लोग अच्छे होंगे और आप सब लोग मेरे को जानते हैं। मेरा नाम है रजत पॉपर। तो दोस्तों, ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले एक बार बता दूं मैं आपको, ठीक है? अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आप यूट्यूब को मतलब सीखना चाहते हैं कैसे हम वीडियोज़ डालें, कैसे करें, तो मेरा एक दूसरा चैनल भी है, न्यूज़ एंड टेक्निकल पॉपर, आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, आज मैं सिखाऊंगा प्रेस हैंड स्टैंड। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है प्रेस हैंड स्टैंड क्या होता है, देखिए ये एक प्रक्रिया है बॉडी को नीचे से उठाने की। एक तरीका होता है ऊपर से हैंड स्टैंड करने का, एक होता है फर्श से। तो आज हम फर्श से सीखेंगे। तो ये पार्ट फर्स्ट है, देखिए ये एक्सरसाइज करेंगे जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। 1 2, ठीक है? उसके बाद पूरी बॉडी को स्टेप से ऊपर उठाना है आपको, ठीक है? ये आपसे पहली बार में नहीं होगा क्योंकि इसके लिए हाथों में बहुत जान चाहिए। देखो आपको सीधी सी बात है पूरी ये चीज़, ठीक है? अगर ये नहीं होती घबराने वाली बात नहीं है, क्या वीडियो बंद कर दे। ये नहीं भी हो सकती है, हो भी सकती है आप पे। आपको करना क्या है, अगर ना हो आप पे मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपके हाथों में जान नहीं है, आप हाथों में जान कैसे लाएं? आपको पता है बॉडी को नीचे से उठाना हैंड स्टैंड की पोजीशन के लिए बहुत मुश्किल है, इसलिए मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखिए इतनी जान चाहिए, पूरी बॉडी दोनों हाथों पे है। और अगर आपने फ्लेयर सीखा हुआ है तो आपको काफ़ी आसान पड़ेगा करना इसको, बहुत ज़्यादा आसान। तो दोस्तों, अब अगर आप पे ये नहीं हो रहा है तो घबराने वाली बात नहीं है। एक तो आप वो ट्यूटोरियल देखिए लीजिएगा जिसने बता रखा है मैंने, ठीक है? एल सिट कैसे करें और हाथों में जान कैसे लाएं, ठीक है? लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ये नहीं होता इसको यहीं छोड़ दो, आप आगे चीज़ में देखो उसमें आप क्या करना है। आपको आपको ऐसे बैठना है, ठीक है? घुटनों पे, घुटनों से आसान हो जाएगा। दोनों पैरों को स्टेप से रखना है आपको और दोनों हाथ रखने हैं, स्टेप जंप लेनी है आपको 1, क्योंकि जब आप ऐसे उठ पाएंगे तभी आप पूरा फर्श से उठ पाएंगे। दूसरे एंगल से देखिए, ठीक है? 1, घुटने लगेंगे धरती पर, ध्यान रखिएगा पहले 1, देखो इतने ऊपर। जब आपकी हाइट बढ़ती जाएगी जितना, उतना आपका कॉन्फिडेंस गेन होता जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहले आपको नॉर्मल हैंड स्टैंड इसके लिए आना जरूरी है, ठीक है? अगर नॉर्मल हैंड स्टैंड नहीं आता है तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, तब भी पता चल जाएगा कि हैंड स्टैंड कैसे करना है। जिन्हें हैंड स्टैंड आता है उनके लिए काफ़ी आसान रहेगा करना है घुटनों से, ठीक है? करते रहेंगे, जैसे आप इसको कर लेंगे। उसके बाद ये एक्सरसाइज करनी है आपको, देखो 1 2। देखिए दोस्तों, आपको लग भी आसान भी रहा होगा और करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल भी लगेगा, लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारनी है, आपको करना है। क्योंकि जब मैं भी कर रहा था इसको स्टार्टिंग में, तो मेरे भी हाथों में बहुत दर्द रहा और हाथों में जान नहीं थी, फिर मैंने इसे कर करके सीख लिया। देखिए दोस्तों, हर ट्यूटोरियल मतलब सारे ट्यूटोरियल किसी सबके लिए नहीं हो सकते हैं, आपको पता है। कोई कुछ सीखना पसंद करता है, कोई कुछ, तो इसकी भी डिमांड थी, तो मैंने कहा मुझे सिखाना चाहिए, तो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, ठीक है? और दोस्तों, जल्दी साइड फ्लिप भी आने वाली है, लॉकडाउन खुल जाए तो साइड फ्लिप लाएंगे आपके लिए, ठीक है? तो देखिए इस एंगल से बॉडी को देखिए, आपको मेन एक्सरसाइज यही वाली करनी है। देखिए फर्स्ट पार्ट में अगर आप पे कुछ नहीं हो रहा है तो आप, ये भी नहीं हो रहा है अगर आप पे, तो आप सीधा हैंड स्टैंड वाला ट्राई करिए जो घुटनों से बताया मैंने। और जिसने मेरा ट्यूटोरियल देख लिया पहले वाला, तो उनको ये चीज़ से पता चल जाएगा। ये दोस्तों देखिए कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, समझाना भी थोड़ा मुश्किल है, आप इसको समझ जाएंगे अगर आप मेरे दूसरे ट्यूटोरियल देखेंगे जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, ये हाथों में जान कैसे लाएं, तो आपको काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इस तरीके से, ठीक है? पूरी जान लगानी है आपको। देखिए मैं दिखाता हूँ किस टाइप से करना है। फेस देखिए मेरा, पूरा एनर्जी, कान में गाने लगा लीजिएगा, मैंने लगा रखी है। यस, जोर से आप कर सकते हैं, बिल्कुल पूरी जान लगा दीजिए, करिए बिल्कुल, यस दोस्तों, ऐसी पूरे जोश के साथ करना है आपको, ठीक है? क्योंकि इससे आपको प्रेस हैंड स्टैंड आ जाएगा। और दोस्तों, आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी लाइक तो आप ठोक ही देंगे, और बेल बटन को दबा देना अगर जिसने नहीं दबाया है। बाकी सेकंड पार्ट जल्दी आ जाएगा इसका, तब तक इसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू।